हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 31। क्लास है आपकी 7, सब्जेक्ट है हिंदी वचन और डेट है 28 जनवरी 2021। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर लिखा है पढ़िए और समझिए। चलिए तो पढ़ते हैं। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, कहानियाँ जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थीं, नदी में बंदर और लड़के तैर रहे थे, शेर मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्दों में ऐसे जिन्हें एक पदार्थीय प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि एक वचन कहलाते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। यहाँ पर पता चल रहा है एक वचन और बहुवचन के बारे में। देखो, सपना और यहाँ पर है सपने, तो यहाँ पर एक की बात हो रही है और यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा की बात हो रही है ना। आगे पढ़ते हैं। शब्दों के एक या अनेक होने का बोध वचन द्वारा होता है, यानी कि शब्द एक एक जो है, शब्द की जो डेफिनेशन हो रही है तो उससे अनेक है या एक है, इस बात से पता चलता है कि वचन कैसे है। शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये वचन की डेफिनेशन है। यहाँ से शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, ये वचन के भेद। वचन के दो प्रकार के होते हैं। वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक वचन में हमें क्या बताया, इन वाक्यों में एक का बोध हो रहा है, यानी कि एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। गायिका गाना गा रही है, गायिका यानी कि एक गायिका। मछली तैर रही है, एक मछली की बात हो रही है। बच्चा रो रहा है, एक बच्चे की बात हो रही है। लड़की पढ़ रही है तो सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है। रोटी लाओ तो एक रोटी की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं बहुवचन। इनमें से अधिक का बोध हो रहा है। गायिकाएं गाना गा रही हैं, ठीक है, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक है, मछलियां तैर रही हैं, मछलियां। बच्चे रो रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, रोटियां लाओ। आइए जाने अपने क्या सीखा, कि हमने क्या क्या सीखा, कितना समझ आया हमें। नीचे लिखे गए शब्दों के बहुवचन रूप में लिखिए। लोमड़ी, तो लोमड़ी का क्या होगा, लोमड़ियाँ, है ना। को मैं जूम कर लेती हूँ लोमड़ी का होगा लोमड़ियाँ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर है पंखा। पंखा का क्या होगा, पंखे, है ना। फिर है गाजर, तो गाजरे। ठीक है, घड़ी, घड़ी का क्या होगा, घड़ियां, है ना। और ये लग गए चंद्रबिंदु। तो मैंने एक साथ चार बताए, आगे चार देखते हैं। फिर है हमारा दाल, दाल है ना, दाल का तो यही होगा, दालें। फिर है हमारा सब्जी, सब्जी का क्या होगा, सब्जियां। एक मिनट, सब्जियां, ठीक है। फिर है गमला, तो गमला का क्या होगा, गमले। फिर है तितली, तितली का क्या होगा, तितलियां। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
फिर है हमारा घोड़ा। घोड़े का क्या होगा? घोड़े है ना, वो लिखते हैं घोड़े। फिर है धातु, धातुए। ठीक है, फिर आता सड़क, सड़कें। फिर आता श्रतु, श्रतुए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये ता है, ठीक है। फिर है हमारे तीन आगे के महिला। महिला का क्या होगा? महिलाएं। ठीक है, बहुत इजी है। पत्रिका, पत्रिका के क्या होगा? पत्रिकाएं। ठीक है, फिर आता है गुड़िया। गुड़िया का क्या होगा? गुड़िया, गुड़िया होगा लेकिन चंद्रबिंदु लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा काम और ये हमने अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली। बहुत इजी सी थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।